हेलो फ्रेंड्स, फ्राई किचन में आप सभी का स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मार्केट जैसी एकदम टेस्टी और यमी पिस्ता कुल्फी बनाने का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिस्ता कुल्फी बनाना। पिस्ता कुल्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है। पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यह दूध को कढ़ाई में बॉईल होने के लिए रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूध अच्छा बॉईल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, अब हम दूध को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि हमारा जो दूध है गाढ़ा हो जाए। हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि यह एक्चुअल क्वांटिटी का आधा ना रह जाए। इस तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैंने यहाँ केसर और पिस्ता के फ्लेवर वाला 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच पानी डालेंगे। 1, 2, 3, 4 और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। अब हम इसे साइड में रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये देखिए आप, ये एक्चुअल क्वांटिटी का हाफ रह गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 6 चम्मच चीनी। 3, 4, 5, 6। अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुल्फी जब ठंडी होती है तो उसमें मिठास थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए आप चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिस्ता, आधा कटोरी दूध की मलाई इस तरह से डाल देंगे इसमें। इन्हें 1 मिनट इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे, इस तरह से हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। इसके बिना भी हमारी कुल्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से हम 1 मिनट इसे इसी तरह चलाएंगे। 1 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे कुल्फी का मिक्सचर भी कितना गाढ़ा हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 पिंच ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ जिससे हमारी कुल्फी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये कुल्फी का मिक्सचर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारे मिक्सचर में आया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे कुल्फी मोल्ड्स में फिल करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे कुल्फी का मिक्सचर एकदम ठंडा हो चुका है और इस तरह से मैंने यहाँ कुल्फी मोल्ड्स लिए हैं कुल्फी को जमाने के लिए। अब मैं कुल्फी के मिक्सचर को इस तरह से मोल्ड्स में फिल कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से दूसरे मोल्ड में भी फिल कर दूंगी। ये देखिए आप, कुल्फी के मिक्सचर को मैंने यहाँ 2 मोल्ड्स में और 2 कांच के ग्लास में फिल कर दिया है फ्रेंड्स। अब इस तरह से मैं कुल्फी मोल्ड्स की कैप लगाकर इसे बंद कर दूंगी। ये देखिए, दोनों पे मैंने इसी तरह से कैप लगा दी है। अब इन ग्लासों को मैं यहाँ इस तरह से प्लास्टिक की शीट से कवर कर दूंगी और इसके ऊपर इस तरह से बैंड लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह फॉइल का भी यूज कर सकते हैं, फॉइल से भी आप इसे रैप कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरे ग्लास को भी इसी तरह से मैंने पॉलिथीन से रैप कर दिया है और उस पर इस तरह से रबर बैंड लगा दिया है। अब हम कुल्फी के मिक्सचर को 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि कुल्फी कैसी बनी है। फ्रेंड, 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और हमारी कुल्फी भी बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए कितनी परफेक्ट कुल्फी हमारी जमी है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अनमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पानी का ग्लास लिया है और इस मोल्ड को मैं कुछ सेकंड के लिए इसमें डिप करके रखूंगी इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे हाथों से रब करेंगे, इससे हमारी कुल्फी जो है आसानी से निकल जाएगी फ्रेंड्स, ये देखिए आप। अब इस तरह से हम एक स्टिक लेंगे और उसे कुल्फी के बीच में सेट कर देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए हम कुल्फी को निकालेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी बनकर एकदम तैयार है।
देखिए फ्रेंड्स कितनी यम्मी हमारी कुल्फी लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये कुल्फी हमने घर में बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी कुल्फी बनी है। बाकी कुल्फी को भी हम इसी तरह से अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कांच के ग्लास में जमाया था, कितनी परफेक्ट कुल्फी हमारी बनी है। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए इस तरह से पानी के ग्लास में डिप करेंगे और एकदम हल्के हाथों से निकालेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये कुल्फी भी हमारी एकदम परफेक्ट जमी है। ये आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी यमी ये लग रही है। ये देखिए आप, लीजिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने मार्केट जैसी कुल्फी बनाकर तैयार की है। ये देखिए आप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।